उधर कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाने और बेटी बचाओ अभियान के तहत राज्य सरकार और ईटीवी की मेहनत अब रंग लाती दिख रही है। मारवाड़ के गांव में जहां बेटा होने पर ही थाली बजती थी, अब बेटी होने पर थालियां बजने लगी हैं। बेटी पैदा होते ही बेटी के नाम ग्राम पंचायत स्तर पर पोस्ट ऑफिस में खाते भी खुलने लगे हैं। गर्व करती हूँ कि मैं एक बेटी हूँ और मैं धन्यवाद देती हूँ ईटीवी को और साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को कि उन्होंने अच्छी पहल की और पहल के साथ में ही बेटियों के लिए थाली बजने लगी है। पोस्ट ऑफिस में अकाउंट पंचायत लेवल पे पंचायत अपने स्तर पर अकाउंट खुलवाने लगी है। अभी मैं जब से गर्ल चाइल्ड को लेकर काम करती हूँ सबकी सराहना करते हैं, तो गर्ल चाइल्ड को लेकर जहाँ पहले सिर्फ बेटों के लिए थाली बजती थी, बेटियों के लिए भी थाली बजने लग गई है। उसके साथ ही ग्राम पंचायत एक नई पहल की है, ग्राम पंचायत के द्वारा सरपंच के द्वारा नवजात बेटी के लिए अकाउंट खुलवाए जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस में, और उनका एक संदेश है कि जब आपकी बेटी 18 साल की हो जाती है तब तक आप इस खाते को कंटिन्यू रखेंगे। समय बदले के साथ में अब बेटी बचाने की जो मुहिम है रंग लाने लगी है। लोगों को समझ में आने लगा है कि बेटे और बेटियों को समान नहीं समझा तो आने वाले समय में रेशियो और अधिक बिगड़ जाएगा। लिहाजा अब गाँव में जब बेटी पैदा होती है तब बेटे की तरह ही थाली बजती है और खुशियां मनाई जाती है, जिससे कहीं न कहीं ये संदेश अच्छी तरह से जाए कि बेटे और बेटी में कोई अंतर नहीं है। कैमरा में स्विचिंग के साथ राजीव गौड़, ईटीवी न्यूज़, जोधपुर।